भगवत स्वरूप सभी साधकों को प्रणाम। 24 बड़े दोष। प्रिय साधकों, याद रखो, काम लोभ धनोपार्जन में ही लगे रहना, तृष्णा असंतोष परिग्रह स्तेय असत्य भाषण निंदा बहुत बोलना परचर्चा क्रोध हिंसा निर्दयता चिंता शोक अहंकार अभिमान मद प्रमाद इंद्रियों की दासता मन की गुलामी कुसंगति और भजन का अभाव, ये 24 बड़े दोष हैं। याद रखो, काम ज्ञान को हरण करके पाप में प्रवृत्त करता है, लोभ से बुद्धि मारी जाती है, धनोपार्जन की नित्य प्रवृत्ति से मनुष्य असुर बन जाता है और धर्म शांति निर्भयता सुख उसके जीवन से चले जाते हैं। तृष्णा सदा नवीन बनी रहकर जलाती रहती है, असंतोष सदा मनुष्य को अभाव का अनुभव कराता हुआ दुखी रखता है, परिग्रह की वृत्ति सदा नई नई चीजें बटोरने की चिंता से ग्रस्त रखती है, स्तेय अर्थात चोरी दूसरे का धन स्वत्व अपहरण करने का पाप कराता रहता है, असत्य भाषण से वाणी का तेज नष्ट हो जाता है और लोगों में विश्वास उठ जाता है, निंदा से परदोष दर्शन की प्रवृत्ति होती, पराय पापों का संग्रह होता तथा जिनकी निंदा होती है उनसे द्वेष वैर बढ़ता है, बहुत बोलने से वाणी बल का क्षय होता है और व्यर्थ समय नष्ट होता है, पर चर्चा से समय नष्ट होने के साथ ही निंदा स्तुति की आदत पड़ती तथा राग द्वेष बढ़ता है, क्रोध मनुष्य को बेहोश करके राक्षस बना देता है, हिंसा महापाप है और हिंसा करने वाले की सब हिंसा करते हैं, निर्दयता मनुष्य को खूंखार पशु और पिशाच बना देती है, चिंता हृदय में सदा चितासी बनी धधकती तथा धधकाती रहती है, शोक से मनुष्य मोहग्रस्त होकर कर्तव्य शून्य हो जाता है, अहंकार समस्त बंधनों का मूल है, शरीर तथा नाम का अहंकार जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता है, अभिमान झूठे बड़प्पन की सृष्टि करके दूसरों का अपमान करवाता और नए नए कलह क्लेश की सृष्टि करता है, मद मनुष्य को बेहोश कर देता है, यह एक बुरा नशा होता है, जैसे धन मद पद मद विद्या मद जाति मद बुद्धि मद आदि, प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य का त्याग कर देता है और न करने योग्य को करने लगता है, प्रमाद ही मृत्यु है, इंद्रियों की दासता मन बुद्धि की पवित्रता को नष्ट करके उसे दुष्कर्मों में लगाती तथा बाहरी एवं भीतरी शक्ति का नाश करती है, मन की गुलामी से मनुष्य उच्छृंखल होकर कुमार्गामी होता और नित्य अशांति का भोग करता है, कुसंगति से मनुष्य का सब ओर से पतन हो जाता है, कुसंग से जीवन बिगड़ जाता है और मनुष्य चिरकाल तक नरक यंत्रणा भोग का साधन बटोरता रहता है और भजन का अभाव तो मानव जीवन को ही व्यर्थ कर देता है, याद रखो, मानव जीवन मिला ही है भगवान का भजन करने के लिए, अतएव इन सभी दोषों से बचते हुए भगवान का भजन करो, सत्संगति के साथ भजन में प्रवृत्त हो जाने पर ये दोष अपने आप हटने मिटने लगते हैं, भगवान के भजन में ही मानव की मानवता है, याद रखो, भजन उसे कहते हैं जिसमें जीवन के सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए होते हैं, मन से भगवान का चिंतन तथा वाणी से भगवान के नाम गुणों का जप कीर्तन कथन करते हुए शरीर के द्वारा होने वाले प्रत्येक कर्म से भगवान की ही पूजा सेवा करनी चाहिए। अब प्रेम पूर्ण हृदय से श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए भावपूर्ण वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।